हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐप के बारे में जो कि लॉन्चर है, उसके द्वारा अपन कैसे अपने आइकन्स को मूवमेंट करा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको सारी डिटेल बताऊंगा मैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए केपीआर चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ इस ऐप को, इस लॉन्चर को अपन कैसे यूज़ करते हैं। उसके पहले सबसे पहले आपको रोलिंग आइकन नाम से प्ले स्टोर में जाके ऐप ढूंढनी पड़ेगी। तो जो भी लोगो आपको दिख रहा है आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और मैं इंस्टॉल इसको होने देता हूँ जब तक आपको सारा डिटेल मैं इसमें बता ही रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि मतलब अपन की वर्क कैसे करती है। इसमें आइकन जो होते हैं उनको आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, अपने डिस्प्ले पर रोटेट करोगे या जो भी करोगे तो आपकी डिस्प्ले आपके हिसाब से, जो भी आइकन है आपके हिसाब से नाचते रहेंगे। मतलब अपनी मर्जी से आप अपने आइकन को मर्जी से घुमा सकते हो इधर उधर। तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही मैं ये इंस्टॉल हो जाती है मैं इसके सारे डिटेल आपको बता देता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं आपको इसका सारा कुछ बता देता हूँ कैसे वर्क करता है। आपके सामने इसका पूरा फ्रेम खुल चुका है, तो आपको इनके जो दिख रहे हैं मतलब ऑप्शन, इनमें आपको जाना पड़ता है। आप इसमें जितने भी आइकन हैं आपके ऐप के आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। यदि इतने पूरे आपकी डिस्प्ले में आपको दिखाने हैं या इतने आपकी डिस्प्ले पर आपको एक बार में यूज़ करने हैं तो ये तो बहुत हो जाएंगे। जो भी काम के हैं आप उनको यूज़ ले लीजिए। और इसमें सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो इसमें देख रहे हो आप सबसे फर्स्ट है जो लॉन्चर का ये वाला फर्स्ट मार्क है, इसको आप एक्टिव कर सकते हो। तो आपका लॉन्चर आपसे पूछेगा कि आपका जो सिस्टम का लॉन्चर है आप उसको यूज़ करोगे या फिर रोलिंग आइकन को, तो आप इसको रोलिंग आइकन पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी से ये वर्क करने लग जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो आपके आइकन है जो सारे आपकी मनमर्जी के हिसाब से आपके फ़ोन में इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो और मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो अपन का ये अभी इसको डिसेबल कर देता हूँ, और डिसेबल करने के बाद में ही मैं आपको और इसके बारे में डिटेल बता पाऊँगा, क्योंकि अपन को इसके और भी चीज़ देखनी है। तो जैसे इसके आइकन भी आप इससे एडजस्ट कर सकते हो, आपको लिटिल लार्ज जो भी करने हो, और बैकग्राउंड में यदि कोई फ़ोटो लगाना हो लॉन्चर में तो उसके लिए ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा अभी। तो और ये अनेबल फ्लोटिंग बटन, तो ये मतलब फ्लोटिंग बटन का ये होता है जो आपका जो ऐप है इसमें ये फ्लोटिंग का ये मार्क आ रहा है आपको दिख रहा हो, तो ये फ्लोटिंग मार्क होता है। इसको मतलब अपन इसके थ्रू मतलब अपन चार ऑप्शन देता है अपन को, वॉलपेपर के लिए और मतलब अपने गैलरी के लिए और होम के लिए, और ये ऑफ के लिए होता है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो लॉन्चर मतलब स्टॉप हो जाएगा, ये सेटिंग मतलब जो आपको सेटिंग सीधा ही ले जाएगा। और इसके मतलब ऐड आ गया है सॉरी। तो और इसके और भी है, तो उसके बारे में और भी मैं बताता हूँ। ये होम स्क्रीन का, तो मतलब इसमें जो सेटिंग का होता है उसमें अंदर आपको ले जाएगा ये। और जो एक और है इसमें, तो लॉन्चर को सिलेक्ट करने से और फिर ये मतलब वॉलपेपर या फिर आपको उन चीज़ों में ले जाएगा, ठीक है। तो अपन और भी चीज़ें इनके बताते हैं आपको। तो जैसे ये वर्क करता है, तो इसमें आपको जैसे सारी ऐप ढूंढनी है तो यहाँ पे जो मार्क आ रहा है नीचे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी ऐप आपको दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। तो आपको ऐप की भी टेंशन नहीं है कि मेरे पूरे ऐप मेरे को दिख नहीं रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो डिस्प्ले पे सेट करना है आपको उनको तो सिलेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। और इसमें जो सर्च ऊपर का आ रहा है यहाँ से आप मतलब टाइपिंग सर्च करके, यदि ज़्यादा ही ऐप यूज़ करते हो तो यहाँ पर ऊपर ही टाइप कर करके आप अपनी ऐप को ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये तो इसका फ्रेमवर्क हो गया एक तरह से। तो मैं आपको और इसका डिटेल बताता हूँ सेटिंग में जाके, तो आपको दिख रहे होंगे सारे कुछ। तो ये चीज़ें मैं बता दिया, लॉन्चर को अपन यूज़ कर लेते हैं। तो और इसको अपन एक तरह से प्रॉपर यूज़ करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा। तो ये आई रिमेम्बर का जो मार्क आ रहा है इसको आप ओके कर दीजिए, फिर इसके बाद रोलिंग आइकन को क्लिक कर दीजिए। अब ये मतलब आपका होम स्क्रीन पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन चलते हैं होम स्क्रीन पर। तो अपन होम स्क्रीन पर जाते हैं, तो देखिएगा आप ये मतलब अपना वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप इनको मनमर्जी के थ्रू मतलब अपन कैसे भी इनको आइकन को अपन एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अपन अच्छा रहता है मतलब लुकिंग वाइज, आपका आपका टाइम पास भी होता रहेगा। जैसे आपका मन नहीं लग रहा हो तो स्ट्रेसनेस के लिए एक तरह से, तो उसके लिए है। और इसमें मैं आपको वॉलपेपर, जैसे आपको यदि हाँ फोटो फ्रेम ये सेट करने हो तो उसके लिए इमेज का ऑप्शन आता है। इसमें इमेज में जाके आपको जो भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये और एक तरह से वो मांगेगा एक फर्स्ट अलाउ के लिए, मीडिया से फाइल ट्रांसफ़र के लिए। तो आपके जो सारे जितने भी हैं वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, और आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद में अब जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ फ़ोटोज़ को, तो
ये तो वॉलपेपर के लिए था, ठीक है। तो वॉलपेपर के लिए अपन ने जैसे किसी भी फ़ोटो को, एक को सिलेक्ट कर लिया, मैं कर लेता हूँ जल्दी से, ये कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब इसको अपन ओके कर देते हैं, नीचे मार्कर आता है वहाँ से। ओके करने के बाद में अब आप देख सकते हो अपना मतलब बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया, और चीज़ मैं आपको इसका और बता देता हूँ। अब जैसे इमेज के लिए मतलब इसमें दिखाता है, तो आपको यदि ये इसको हटा के और वॉलपेपर का करना है, तो आपका जो वॉलपेपर सेट, ये वॉलपेपर भी सेट करना है अपने, मतलब आपका लॉन्चर वही रहना चाहिए और वॉलपेपर सेट करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएगा। और आइकन से रिलेटेड है, तो जैसे अब मैं बता ही रहा था आपको कि आपको आइकन से रिलेटेड कुछ सिलेक्ट करना है, तो आप उनको क्लिक कर लीजिए जो भी आपको क्लिक करना है, और उनको ओके कर दीजिए नीचे, ठीक है। ओके करने के बाद में अभी चार फोटो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आपका जो भी है वॉलपेपर आइकन, अब उसको आप रेटिंग मांगिएगा, छोड़िए इसको। तो आपके वॉलपेपर आप देख रहे हो, ये चार वॉलपेपर दिख रहे होंगे आपको, जैसे ये रहा और ये रहा। तो मतलब आप इनको हटा के आइकन को और वॉलपेपर भी लगा सकते हो अपने, वॉलपेपर नहीं मतलब अपने फ़ोटोज सॉरी, तो उनको भी वर्क में ले सकते हो, ठीक है। तो मैं सारा कुछ बता दे रहा हूँ आपको, और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो आपको ले रहा हूँ तो आप वो मिस ना कर पाओ, ठीक है। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं आपको उसमें सारा कुछ बता दूंगा कि यदि कोई आपकी प्रॉब्लम होगी तो। तो चलिए, गुड लक, टेक केयर, और जाते जाते मेरी जो वीडियो आपको लास्ट में दिखाई देंगे, यदि आप उनको देख लोगे तो क्या पता शायद आपके काम आ जाए, तो ठीक है, टेक केयर।